वेलकम टू जब्बा शॉपिंग। आज मैं एक मिक्सी अनपैक करने वाला हूँ और उसका डेमो देने वाला हूँ। प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें दो टिप्स दूंगा, जिसमें से एक टिप इतनी खास है कि इससे आपकी मिक्सी की लाइफ 2 से 3 गुना तक बढ़ सकती है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ SM और मैं आज अनपैक करने ववाला हूँ आपके लिए फिलिप्स का HL1632 मिक्सर कम जूसर। ये 500 वाट्स का है और 500 वाट्स जो है, तो अगर आप मिक्सर कम जूसर ले रहे हैं तो आपको 500 वाट या उससे ऊपर आप लें। तो आइए फ्रेंड्स, इसे शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं इसको अनपैक कर चुका हूँ। ये है इसका मैनुअल कम वारंटी कार्ड, इसके साथ में 2 साल की वारंटी है। ये इसकी मेन बॉडी है और इसके अलावा इसके साथ 3 जार हैं। ये है चटनी जार, ये है ग्राइंडिंग जार और ये है ब्लेंडर जार। इसमें ब्लेंडर जार तो बहुत स्पेसिफिक है। इसमें देखिए आप, इसके लॉक्स जो हैं, ये लॉक्स कितने खूबसूरत हैं। इस तरह से आप इसको खोलिए और इसके अंदर आपको एक फ़िल्टर दिखाई देगा। ये फ़िल्टर क्यों है? ये फ़िल्टर इसलिए है कि आपको जो भी कुछ ब्लेंड करना है, जैसे मिसाल के तौर पर टमाटो, तो ब्लेंड होकर जूस बाहर निकल जाएगा और उसका जो रेफेज है इसी के अंदर रह जाएगा। तो आइए, ये इसकी मेन बॉडी है और उसके अलावा ये जूसिंग के लिए, ये एक तो इसे आप एक कंपार्टमेंट कह सकते हैं। बहुत ही ये इसको इस तरह से, ये एक और ये दो, ये तीनों इसी के पास हैं। इसके अलावा ये भी उसी का लॉक है, ये डिटैचेबल लॉक है, इसे आपको यहाँ लगाना है, ठीक है। उसके अलावा ये आपको एक पुशर मिलेगा, ये पुशर है आपको फ्रूट्स, ये पुशर है इसके अंदर फ्रूट्स पुश करने के लिए। फिर इसी के साथ में आपको एक स्पैटुला भी है, एक चम्मच मिलेगा आपको जार्स वगैरह साफ़ करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये हैं इसके आइटम्स और अब आइए हम इसका प्रैक्टिकल डेमो करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ कि इससे जूस कैसे निकालते हैं और कैसे इसे असेंबल करते हैं। तो ये है आपका जूसर चैम्बर और इसे आपको सिंपली मिक्सर पर इस तरह से रख देना है, ठीक है। ये आपने रख दिया, इसके 2 लॉक्स होते हैं, ये एक छोटा लॉक है और ये छोटा लॉक है और ये है इसका बड़ा लॉक। और मैं अभी इसके बाद में, आपने ये जो प्लेट है, ये प्लेट आपको यहाँ पर ऐसे रख देनी है, इसे आपको लॉक नहीं करना है। आपको इसे इस चैम्बर को लॉक करते करते ये प्लेट ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये लॉक इसे आपको इन दोनों साइड से हल्के से पुश करना है और यहाँ पर लगा देना है। ये लग गया, ठीक है। और उसके बाद में आपने ये इसका ऊपर का भाग है, इसे ये देखिए इसका लॉक है, इस लॉक को यहाँ इस तरह से ऐसे आपने इस लॉक को ऐसे रख दिया, ठीक है। अब ये इसे पीछे से देखिए, यहाँ से इस तरफ से देखिए, इसे ऐसे पीछे से हल्के से पुश करके छोड़ देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि छोटा जो लॉक है उसे यहाँ उसे धीरे से ऐसे पुश करना है और ये लॉक हो गया। अब बड़ा लॉक इस तरह लॉक नहीं होगा, बड़े लॉक को थोड़ा सा धीरे से पुश करना होगा और इसमें से क्लिक की साउंड आएगी, ये इसमें क्लिक की साउंड आएगी, बहुत ज़ोर से साउंड आएगी। जैसे आप बटन बंद या कोई इलेक्ट्रिसिटी का बटन बंद या शुरू करते हैं तो साउंड आती है, इस साउंड पर आपने ध्यान देना है। देखिए ये साउंड आनी ज़रूरी है और इसे अगर आपको निकालना है तो वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि इसे दोनों तरफ से फिर से ऐसे पुश करना है और ऐसे निकाल देना है, ठीक है। तो एक बार और देखते हैं कि इसे लगाना कैसे है। इन दोनों साइड से हल्के से पुश करना है और पुश करने के बाद यहाँ पर इसे फिक्स करना है। फिक्स तो ये अभी तक नहीं हुआ और यहाँ पर इसे, ये अब ये भी देख लीजिए, ये यहाँ से आपका जूसर बाहर आएगा। तो उसके बाद में इसे ऐसे आवाज पर आप गौर करिए, ये साउंड आएगी, ठीक है। तो और ये इसका पुशर है और मैं अभी आपको इससे जूस निकाल कर। तो गाइस, शुरू करने से पहले वो जो 2 टिप्स मैं आपको देने वाला था उसमें से एक मैं अभी दे दूँ कि ये जो अभी जो नए मॉडल्स मिक्सर के आते हैं, चाहे मिक्सर हो, फैन हो या वाटर पंप हो, वाटर कूलर हो, जो भी हो, तो इनमें जो मोटर होती है और मोटर में जो बाइंडिंग होती है, तो वो बाइंडिंग पुराने मॉडल्स में कॉपर की हुआ करती थी और नए मॉडल्स में वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस की वजह से कॉपर की बजाय वो एल्यूमिनियम की होती है, क्योंकि एल्यूमिनियम सस्ता पड़ता है।
आप कोई भी आप ब्रांड लें, सारे ब्रांड में मैं जनरली बात कर रहा हूँ, हर ब्रांड की में यही होता है। तो दोनों में फ़र्क क्या होता है कि एक तो एल्यूमिनियम सस्ता होता है और दूसरी बात एल्यूमिनियम गर्म भी जल्दी हो जाता है, और जल्दी गर्म होता है होने की वजह से उसकी लाइफ कम हो जाती है, उसका जो टिकाऊपन है एल्यूमिनियम में कम होता है। तो पुराने मॉडल्स से कंपेरेटिवली जो नए मॉडल्स हैं वो उतने टिकाऊ, जनरली मैं बात कर रहा हूँ, उतने टिकाऊ नहीं होंगे। तो ठीक है, मैं आपको शुरू करके, तो आपने फ्रूट यहाँ से इसे यहाँ पर छोड़ना है और ये पुशर से आपने फ्रूट को पुश करना है। आप एक से ज़्यादा भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। और ये बात का भी ध्यान रखें कि आपने ग्लास यहाँ पर प्लेस करना है, तो जूस आपका यहीं गिरेगा। तो मैं इसे अब ऑन करता हूँ, ओके। ओके गाइस, तो ये हमारा जूस निकल गया और अब हम देखते हैं कि इसके जूसिंग चैम्बर की क्या हालत है। इससे हमें ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि जूस इसने कितना एक्सट्रैक्ट किया है। ये देखिए, ये इसका रेफेज है। वाओ, ये तो 90% से ज़्यादा इसने जूस इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लिया है। वेरी गुड। और ये इसका हमारा स्पैटुला है। इसका मैं एक यूज़ आपको बताना भूल गया था, वो मैं आपको वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊँगा। इसे साफ़ करिए, जिस तरह आपको साफ़ करना है कीजिए। आप चाहे तो इसे फेंक भी सकते हैं, अदरवाइज़ ये ब्यूटी के लिए, ये जो रफेज है फ्रूट के, ये यूज़ होते हैं। तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो है ये फ़िल्टर, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फ़िल्टर का क्या यूज़ है। आपको तो पहले से ही पता होगा, मोस्टली ज़्यादातर लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उनके लिए मैं ये भी चाहिए। स्टार्ट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि इस जाली का, इस फिल्टर का क्या काम है। ये उनके लिए है जिन्हें पता नहीं है, लेकिन जिन्हें पता है वो भी वीडियो का आखिरी तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आखिरी में आपको वो टिप देने वाला हूँ जिससे आपके मिक्सर की लाइफ 3 गुना तक बढ़ सकती है, ठीक है। तो मैं इसमें ये टोमेटो डालता हूँ। ओ, शुरू करो। तो ठीक है, अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। इस टमाटर को मैंने निकालने की कोशिश की लेकिन वो निकल नहीं पाया। आप देख रहे हैं कैसे इसका सारा जूस अलग से निकल आया। तो ये हमारा इसका एक्सट्रैक्ट निकल गया, और अब जो है इस फिल्टर के अंदर सिर्फ इसका रेफेज बचा हुआ है। दिखाई दे रहा होगा कैमरे में, ये इसमें सिर्फ इसका रेफेज बचा हुआ है। तो इसका मेनली यही हमारी है उस स्पेशल टिप की जो मैं आपको देने वाला था, जिससे आपकी मिक्सर की लाइफ 2 से 3 गुना तक बढ़ सकती है। और वो ये है कि आप मिक्सर को जब भी यूज़ करें तो उसे सिर्फ पहले पॉइंट पर ही यूज़ करें, ये सेकंड और ये थर्ड पॉइंट इसे यूज़ ना करें। देखिए, ये टिप जो है तो मुझे एक बहुत ही एक्सपीरियंस लेडी से मिली है, जिनकी बात को हमारी फैमिली में कोई नहीं टालता। एक वो कहते हैं ना, हमने बाल धूप में ही सफ़ेद नहीं किए, तो वो इस तरह से इस्तेमाल करती हैं और उन्हें दूसरों को भी वो यही मशवरा देती हैं, ये वो दूसरों को भी यही सलाह देती हैं। तो आपको क्या करना है कि इस मिक्सर को जब आप ऑन करें तो सिर्फ पहले पॉइंट पर, और अगर रेयरली ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ती है, यानी रेयरली वो कहती हैं कि मैं हमेशा इसी पर यूज़ करती हूँ, और बहुत ही रेयरली मैं दूसरे सेकंड पॉइंट तक के इसको लेकर आती हूँ, मैंने थर्ड पर इसे कभी यूज़ नहीं करती हूँ। इससे ये है कि दूसरों के कंपैरेटिवली मेरा मिक्सर, अगर दूसरों का मिक्सर सपोज़ कीजिए कि 1 साल चलता है, तो उनके मिक्सर 2 से 3 साल तक के चलते हैं। तो यही वो टिप है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, ओके। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल,
और प्लीज देखते रहिए। थैंक यू। मैं आपको इस मिक्सी के फाइनल दो पॉइंट्स बताना चाहता हूँ जो छूट गए थे। एक ये कि इस चम्मच का दूसरा यूज क्या है, और दूसरे ये कि ये विप बटन का पर्पस क्या है। ये जो विप बटन आप देख रहे हैं, मैं इसे जूम कर कर भी दिखाऊंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चम्मच, इसका पहला पर्पस तो सभी को पता है, और दूसरा पर्पस भी ऑलमोस्ट हर किसी को पता होगा कि इसे एज अ टूल भी यूज़ किया जाता है। जी हाँ, ये जो आप देख रहे हैं ये शेप यहाँ पर जाकर पूरी तरह से फिक्स होता है, और इससे आप इस कटिंग प्लेट को खोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये कि ये विप बटन क्यों यूज़ होता है। ये विप बटन मैं इसे पहले एक बार जूम कर दूँ। ये विप बटन देखिए, ये विप बटन किस लिए यूज़ होता है, वो ये कि ये विप बटन मिक्सर को अपनी पूरी पावर के साथ चला देता है। हाँ, बजाय इसके कि आप नॉब को पहले फर्स्ट पॉइंट पर लें, फिर सेकंड पॉइंट पर लें और फिर हाई पर लें, आपको अगर 2 सेकंड के लिए इसे पूरी पावर से चलाना है तो आप इसे विप कर दीजिए। जब तक आप इस बटन को पकड़े रहेंगे तब तक ये चलेगा, और जैसे ही आप इसे छोड़ देंगे तो ये वापस ऑफ पर आ जाएगा। ये क्यों यूज़ होता है, जैसे कि आप कोई चीज़ है, कोई जड़ चीज़ है, और उसे 1-2 सेकंड के लिए, उससे सिर्फ पीसने के लिए, जैसे आप मिल्क शेक बना रहे हैं और उसे फाइनल टच देना है, तब ये यूज़ होता है। या फिर कोई और चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल मिर्च ले लीजिए, मिर्च एक लिमिट तक के बारीक हो गई और उसके बाद वो बारीक नहीं हो रही है, तो आपने क्या करना है कि मिर्च को एक बार इसे मिक्स कर लें और इस जार को मिक्सर पर रखें और उसे विप कर दें। इस तरह से उसे विप कर दें और वो मिर्च बारीक हो जाएगी। और दूसरे आखिरी पॉइंट मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि इसे एक और तरीके से यूज़ किया जाता है, वो ये कि फॉर एग्जाम्पल आप मसाला पीस चुके हैं, और मसाला पीसने के बाद में आप उसे इस जार को साफ़ करके खाली भी कर चुके हैं, लेकिन खाली करने के बाद जो थोड़ा बहुत मसाला इन दीवारों पर या इस बेस में लगा रह जाता है, तो आप इसमें पानी डालिए और पानी डालने के बाद में इसे एक बार विप कर दीजिए, तो ये पानी उसे पूरी तरह से खंगाल कर निकाल देगा। इससे मतलब ये कि ऑलमोस्ट सारा वो निकल जाएगा, जितना निकाल सकते थे वो पूरा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये थे फ्रेंड्स इसके ये 2 पॉइंट्स, और प्लीज़ हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तब भी, और अगर आपको लगता है कि यहाँ कोई कमी रह गई है या फिर यहाँ हम वीडियो को इस तरह से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, तो प्लीज़ हमें वो भी बताइएगा। थैंक यू।